हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल के अवतार का जो एम होगा इस धरती पर आने का, उनका मेन एम है इस धरती से एविल फोर्सेस को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए वो आ रहे हैं। और एक सतयुग की स्थापना, ऐसा सतयुग जहाँ पर कि एविल फोर्सेस का नामो निशान भी नहीं होगा। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक मैं आपको देने जा रही हूँ, जिसका नाम है कल्कि अवतार विल बी एन अचीवर मोर देन अ टॉक, यानी वो सिर्फ बात करने में विश्वास नहीं रखेंगे, काम करने में विश्वास रखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि उनका एक्शन जो होगा वो बोलेगा, उनके जन्म से ज़्यादा महत्वपूर्ण उनका कार्य करने का तरीका होगा, वो किस ढंग से अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। आज के युग में टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक प्रोग्रेस इतना ज़्यादा है कि इंसान मशीन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गया है। हर चीज़ के लिए, यानी छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी वो मशीन्स के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, साइंटिफिक चीज़ों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डे बाय डे डिपेंड होता जा रहा है। उसके कारण भले ही बैड इफ़ेक्ट उसके हेल्थ के ऊपर पड़ रहा है, लेकिन इस बात को वो समझ नहीं पा रहा है। लेकिन यही टेक्नोलॉजी जिसके कारण कई तरह की बुराइयां आज समाज में फैल गई हैं, सिर्फ हेल्थ इसके लिए इफेक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि ठगी, चोरी, जालसाजी, दूसरों को धोखा देना, ये सब कुछ भी एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण लोगों को इससे दो चार होना पड़ रहा है। 90% ऑफ द टेक्नोलॉजी और ये मशीन्स, एडवांस्ड मशीन्स जो हैं, जो लोग अपने काम को जल्द करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, इन सब का खात्मा कल्कि अवतार करेंगे। सतयुग में ना ही मशीन्स रहेंगी, ना ही कोई एडवांस टेक्नोलॉजी रहेगी, ना ही ये कोई इंटरनेट और सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों का खात्मा कलयुग में होगा। कलयुग में कल्कि अवतार के काम करने का तरीका कृष्ण और राम से बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। उनका जो देखने का नज़रिया होगा हर चीज़ को, वो भी डिफरेंट आउटलुक से हर चीज़ को वो देखेंगे और हैंडल करेंगे, यानी हर काम को करने का तरीका पहले के जैसे तीनों युगों में हुआ है उस तरह से नहीं होगा। डिफरेंट मेथड विथ डिफरेंट आउटलुक कल्कि अवतार विल डू। ऐसा क्यों आप लोग पूछेंगे? ऐसा इसलिए कि कलयुग भी जो है वो टोटली डिफरेंट है पहले के तीनों युगों से। आज जो इंसान है वो इतना अधिक डे बाय डे अपनी बुद्धि का प्रयोग करके एडवांस होता जा रहा है और हर चीज़ की खोज करता जा रहा है, भले ही उसकी ये खोज उसके लिए भी जानलेवा साबित हो रही है, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं। तो कल्कि भगवान बात करने में विश्वास नहीं करेंगे, जैसे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पंडित मंच सजाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो वो बात करने में विश्वास नहीं करेंगे। साइलेंट होके चुपचाप लोगों को दिखलाएंगे कि वास्तव में वो क्या हैं, उनके एक्शंस जो हैं वो बोलेंगे, वो लोगों को बतलाएंगे, और इस रूप में वो लोगों के सामने आएंगे। असली रूप में तो आएंगे ही नहीं, लेकिन इस रूप में लोगों के सामने आएंगे कि कोई भी यदि उनसे मुलाकात होती है तो ना पहचानने के बावजूद भी लोग उनके ऑरा को महसूस करेंगे। कभी कभी आप देखिए, किसी ऐसे इंसान से जब आपकी मुलाकात होती है आपको बहुत अच्छा लगता है और आपको लगता है कि हाँ, उसका ऑरा, उसकी बातें करने का अंदाज बिल्कुल टोटली अलग है, दूसरों की तरह वो कॉमन नहीं है, कुछ अनकॉमन, कुछ स्पेशल आपको एक अट्रैक्शन उसकी पर्सनैलिटी में दिखता है। ऐसा ही कुछ आचरण कल्कि अवतार में होगा। एक तो उनका बहुत शरीर का जो ऑरा होगा वो डिवाइन ऑरा होगा, यानी जो कोई उनसे एक बार बात करेगा हर कोई उनकी ओर खींचा चला जाएगा, अनजाने में ही सही, लोग जान नहीं पाएंगे, क्योंकि आज के युग में स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत कम लोगों के पास में है। लोग उन्हें एक साधारण इंसान की तरह ही देखेंगे, और जब वो उनसे बात करके चले जाएंगे तब उस इंसान को एहसास होगा कि मैंने जिससे बात की थी वो तो कुछ अलग हटकर था, यानी उसका ऑरा, डिवाइन ऑरा, उसके बात करने का लहजा, उसको बात करने का, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका, ये तो कुछ डिफरेंट था। कुछ इस तरह से एविल फोर्सेस को
धीरे धीरे वो खत्म कर देंगे और आप देखेंगे कि डे बाय डे, मैंने आप लोगों को 17 इयर्स दिया है, उन 17 इयर्स में जब युग परिवर्तन का लास्ट स्टेज आएगा, आप देखेंगे कि पूरी तरह से यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो खत्म होती गई हैं और जनसंख्या यानी पॉपुलेशन भी जो है वो काफ़ी हद तक खत्म हो गई है। लेकिन मार काट, खून खराबा या गाली बकना या एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करना, ये कल के अवतार में शामिल बिल्कुल नहीं होगा। बहुत ही पेशेंटली, धैर्य के साथ, सहन शक्ति के साथ उनके काम करने का तरीका डिफरेंट होगा और लोगों को वो बतलाएंगे कि हाँ, उनका अराइवल अर्थ पर हो चुका है। आज जैसे कुछ बहुत कम परसेंटेज लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि हाँ, युग परिवर्तन का समय स्टार्ट हो गया है। ये चीज़ें आगे चलकर जो लोग भक्त होंगे वो सिर्फ महसूस करेंगे, लेकिन जो खिल्ली उड़ाने वाले लोग हैं, जो नास्तिक लोग हैं, वो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। तो अपने स्टाइल में वो समझाएंगे लोगों को कि वास्तव में काम करने का तरीका कैसा होना चाहिए। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से, भाषण देने से, मंच सजाने से और अच्छे कपड़े पहनने से हमारा कार्य, हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता। तो वो धोती कुर्ता नहीं पहनेंगे, भले ही वो बहुत एडवांस कपड़ा भी नहीं पहने, लेकिन जिन कपड़ों में वो रहेंगे, जिस तरह से उनके काम करने का ढंग रहेगा, वो बातचीत करने में, बड़ी बड़ी बातें करने में नहीं, बल्कि जिस उद्देश्य को लेकर आए हैं उसे फुलफिल करने में ही वो विश्वास रखेंगे। तो उनका काम करने का तरीका बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए भी टोटली डिफरेंट रहेगा, जिसमें वो अपनी सहन शक्ति का परिचय देंगे। हाँ, कभी कभी ज़रूर उन्हें क्रोध आएगा, लेकिन उस क्रोध के पल में भी वो अपना आपा नहीं खोएंगे और इस दुनिया से, इस अर्थ से पूरी तरह से एविल पीपल, एविल फोर्सेस, एविल टेक्नोलॉजी, जो भी एविल चीज़ें हैं उसे खत्म करके सतयुग की ओर लेकर जाएंगे, जहां गरीबी नहीं सिर्फ और सिर्फ अमीरी होगी, सब लोग एक समान होंगे और इक्वलिटी का फॉर्मूला लेकर लोग सुखी रूप से सतयुग में रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।